हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने कुंदरू तो बहुत तरीके से बनाया होगा। आज हम बेसन वाले कुंदरू बना के आपको दिखाएंगे। ये खाने में बहुत ही मजेदार होता है, बिल्कुल चिपचिपा नहीं लगता है। जो बच्चे कुंदरू खाना नहीं पसंद करते हैं, उसे भी इस तरीके से आप ना को खिलाइए, उसका भी फेवरेट हो जाएगा। तो चलिए हम टाइम को बिना वेस्ट करते हुए फटाफट कुंदरू की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। बेसन वाली कुंदरू बनाने के लिए हमने यहाँ पे 400 ग्राम कुंदरू लिया है। कहीं पे इसे टिंडली नाम से जाना जाता है, कहीं पे कुंदरू, और कहीं पे इसे कुंदरी नाम से जाना जाता है। तो आप जिस नाम से जानते हो, हमने यहाँ पे 400 ग्राम कुंदरू ले रखा है। अब हम कुंदरू को साफ करके अच्छे से सुखा लिए हैं। हम एक कुंदरू लेंगे और इसके दोनों साइड को ऐसे काट लेंगे। तो ऐसे हम सभी कुंदरू के पहले साइड को काट लेंगे। अब हम यहाँ पे एक दूसरा प्लेट लेंगे, तो हम कुंदरू को ऐसे गोल गोल शेप में काट लेंगे। ये बहुत आसानी से कट जाता है, आप देख सकते हैं। और ध्यान रहे, थोड़ा पतला होगा तो बहुत ही अच्छे से अपनी बेसन लिपटेगी और अच्छा सा सब्जी तैयार होगा। आप देख सकते हैं, हमने ऐसे गोल गोल कुंदरू काट रखा है। चलिए हम सभी कुंदरू काट के आपको बताते हैं। हमने सभी कुंदरू को काट लिया है। अब हम इसे एक बड़े से बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक बड़ा सा बॉल लिया है और इसमें ट्रांसफर कर लेंगे, क्योंकि इसमें हम मसाला जब डालेंगे तो ऐड करने में आसानी होगी। चलिए अब हम इसमें बेसन डालते हैं। तो यहाँ पे हम 4 चम्मच बेसन डालेंगे, यानी कि चने का आटा, इंग्लिश में ग्राम फ्लोर कहते हैं। आप 4 के जगह 5 चम्मच भी डाल सकते हैं, यानी कि जितने में ये अच्छे से लिपट जाए। अब यहाँ पे हम डालेंगे 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर। तो मिर्च अपने अनुसार डालिए, तीखा ज्यादा पसंद है तो ज्यादा डालिए, कम पसंद है तो कम डालिए। 1/4 चम्मच हम हल्दी डालेंगे, हल्दी से कलर बढ़िया आता है। अब देख सकते हैं, हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। ऐसे टॉस करने से नीचे जो बेसन मसाला बचा है वो भी आके लिपट जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, एक एक कुंदरू पे अच्छे से बेसन और मसाला की कोटिंग हो चुकी है। हम इसे 5 से 6 मिनट तक मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। इससे क्या हुआ, कुंदरू से अच्छे से पानी निकल के और बेसन को अच्छे से अपने में लिपटा लेगा। तो चलिए हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। चलिए अपना कुंदरू चेक कर ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, अपने कुंदरू में अच्छे से पानी आ चुका है, यानी कि बेसन भी अच्छे से लिपट चुका है। तो यही हमें करना था ढक के। अब चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने 2 बड़ा चम्मच तेल गरम कर लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई डालेंगे हम। राई और जीरा को हम थोड़ा सा चटकने देंगे, ज्यादा हमें नहीं जलाना है। आप सुन सकते हैं, अपने कढ़ाई में जीरा और राई की चटकने की आवाज आने लगी है। इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें 2 से 3 चुटकी हींग, क्योंकि हमें कुंदरू में बेसन डालना है तो हींग डालना भी जरूरी है। इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा और सब्जी भी टेस्टी बनेगी। अब हम इसमें कुंदरू को धीरे धीरे छोड़ देंगे। तो आप ध्यान से देखिए, हम कुंदरू को कैसे छोड़ रहे हैं। एक साथ में नहीं छोड़ना है, नहीं तो तेल के छींटे आएंगे। कुंदरू को हम हल्का सा चला लेंगे और इसे हम स्टार्टिंग के 2 से 3 मिनट तेज फ्लेम पे ही पकाएंगे, यानी कि अपने कुंदरू को अच्छे से गर्म होने देना है। इससे क्या होगा, बेसन अच्छे से अपने कुंदरू में पक जाएगा। फिर हम आपको दिखाते हैं। हमने कुंदरू को 3-4 मिनट तक तेज फ्लेम पे चला लिया है। आप देख सकते हैं, अपने कुंदरू में बिल्कुल चिपचिपाहट नहीं है, बेसन ने सारे चिपचिपाहट को ऑब्जॉर्व कर लिया है। और तो चलिए हम इसे कवर करके पका लेते हैं। ध्यान रहे, हम बीच बीच
इसे चला चला के 10 से 12 मिनट पका के आपको दिखाते हैं। चलिए अपना कुंदरू चेक कर ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमने 5-5 मिनट पे चला चला के इसको 10 से 12 मिनट तक पका लिया है। एक बार मिक्स करके हम देख रहे हैं थोड़ा सा कसर रह गया है अपने कुंदरू में, तो फिर से हम कवर करके 5 मिनट और पका लेते हैं। 5 मिनट हो चुका है, चलिए अपनी कुंदरू चेक करते हैं। तो आप ध्यान से देखिए कितनी बढ़िया बेसन डालने से खिला खिला अपना कुंदरू तैयार हुआ है। देखने में सुंदर है, खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है। तो आप जरूर इसे ट्राई कीजिएगा। फ्लेम को हम ऑफ कर ले रहे हैं और प्लेटिंग करके आपको दिखाते हैं। हमने सब्जी की प्लेटिंग कर ली है। अब चलिए हम इसे थोड़ा सा धनिया पत्ता से गार्निश कर दे रहे हैं, जिससे खूबसूरत लगेगी। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया बेसन वाला कुंदरू बनाना कितना आसान है और देखने में सुंदर, खुशबू में भी इतनी खुशबू की क्या बताएं, खाने में मजेदार। आप पूरी पराठा तंदूरी के साथ खाइए। फ्रेंड्स, ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।